नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी नेताओं ने किया शक्ति प्रदर्शन, डीके शिवकुमार के पक्ष में लगे नारे। जयनगर से भाजपा उम्मीदवार राममूर्ति ने दर्ज की जीत, कांग्रेस के सौम्या रेड्डी को 16 वोट से हराया। कर्नाटक में कांग्रेस को 34 साल बाद सबसे ज्यादा सीटें, दक्षिण राज्यों में अब बीजेपी सरकार नहीं, कुश्ती संघ का कामकाज बंद। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत 135 सीटों पर मिली जय। जयनगर सीट देर रात कांग्रेस 160 वोटों से जीती, रिकाउंटिंग में 16 वोट से भाजपा ने हराया। मणिपुर के 10 कुकी विधायकों ने अलग राज्यों की मांग की है, हिंसक झड़पों में अब तक 71 लोगों की मौत। जंतर मंतर में पहलवानों का धरना, एशियन कुश्ती ट्रायल के लिए अंडर 17 और 23 का शेड्यूल जारी, सोनीपत और पटियाला में होंगे। एनसीबी ने पकड़े 15,000 करोड़ के ड्रग्स कीमत के मामले में सबसे बड़ी जब्ती, ड्रग्स का सोर्स पाकिस्तान। कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी, इस जीत का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव पर पड़ेगा असर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिए अनसुलझे सवालों के जवाब, कहा सोनिया गांधी की खुलेआम बेइज्जती की गई, वसुंधरा धारीवाल को अरेस्ट कराने वाली थी, मैंने बचाया। योगी मोदी के गढ़ में 28 साल से जीत रही भाजपा, वाराणसी में नए प्रत्याशी वाली भाजपा की स्ट्रेटजी आई काम, रैलियों के बाद भी हार गए अखिलेश। गोल्डन टेंपल मेले पर फेंके गए पत्थर, मुंबई से अमृतसर आते हुए ब्यास के पास बरसाए, ट्रेन की खिड़कियां टूटी। जालंधर का 24 साल पुराना गढ़ गंवा बैठी कांग्रेस, गुटबाजी में बटी, अपने ही पूर्व एमएलए से हारी, अकाली दल और बीजेपी अलग होकर कमजोर पड़े। एयर हॉस्टेस से बदतमीजी, पैसेंजर पर 2 साल का बैन, एयर इंडिया ने डीजीसीए से नो फ्लाइंग लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, पिछले हफ्ते भी पुलिस और आतंकियों के बीच हुई थी मुठभेड़। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगाड़िया बोले, कर्नाटक नतीजे बीजेपी के लिए वेकअप कॉल, राम मंदिर और बजरंग बली भी नहीं बचा सके, कहा अकेला स्टोरी बनाना शर्म की बात। अम्बेडकर नगर में निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा की हुई जीत, जीत के बाद नगरवासियों में उत्सव का माहौल। बाराबंकी में कचहरी के सामने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सपा प्रत्याशी की जीत पर बौखलाए प्रत्याशी। गाजियाबाद में अवैध सिलेंडर के गोदाम में लगी आग, करीब 2 दर्जन सिलेंडर धमाके के साथ फटा। लखनऊ में बिजली का कनेक्शन काटने पहुंचे अवर अभियंता, नाराज उपभोक्ता ने अवर अभियंता को मारी गोली, मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस अधिकारी। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप।
सहारनपुर में सूचना विभाग के अधिकारी का आईडी कार्ड छीना, मतगणना स्थल पर पुलिस इंस्पेक्टर ने छीना कार्ड। चंदौली के चकिया नगर पंचायत में खिला कमल, गौरव श्रीवास्तव बने चकिया के चेयरमैन। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। गाजियाबाद में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत स्वच्छता कार्यक्रम, नगर निगम ने आयोजित किया स्वच्छता कार्यक्रम। लखनऊ में निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान, मुसलमानों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा है। लखनऊ में विश्वविद्यालय के हॉस्टल में पथराव, हॉस्टल में पथराव का वीडियो वायरल। बीजेपी की निकाय में जीत पर मायावती का वार, बीजेपी ने किया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं। एक दूजे के हुए राघव परिणीति, राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की हुई सगाई, केजरीवाल समेत कई नेता शामिल हुए। रायबरेली में एक घर में निकले सैकड़ों सांप, घर वालों में फैली दहशत। सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव में खिला कमल, भाजपा से मेयर डॉक्टर अजय सिंह की जीत हुई। सहारनपुर में निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, भाजपा ने सभी महापौर के चुनाव जीते। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल बने चेयरमैन, पहले भी दो बार चेयरमैन रह चुके हैं प्रवीण। हरदोई में एसपी राजेश त्रिवेदी ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, जीआईसी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कानपुर में पनकी पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित को धर दबोचा, शातिर पर सचिंडी थाना में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है मुकदमा। लखनऊ में एएसपी के बिगड़े बोल, बागपत में चुनाव ड्यूटी के दौरान मर्यादा बोले एएसपी मनीष मिश्रा, मतदान स्थल पर प्रत्याशी और एजेंट से की अभद्रता। लखनऊ में नगर निगम का पूर्व संविदा कर्मी कर रहा था वसूली, केस दर्ज, संविदा कर्मी की वसूली की जानकारी लगते ही अधिकारियों ने लिया संज्ञान। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने पर युवक की पिटाई, ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने पर दरोगा ने की पिटाई, युवक को थाने में ले जाकर दरोगा ने मारपीट किया। लखनऊ में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे टहल रहे लोगों को मारी टक्कर, बोलेरो की टक्कर में एक ही परिवार के दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। लखनऊ में सिपाही पर ट्रामा से मरीज शिफ्ट कराने का आरोप, एम्बुलेंस चालक और सिपाही के बीच जमकर विवाद, सिपाही एम्बुलेंस चालक के विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ में लगातार बढ़ती जा रही महिलाओं के साथ वारदात, बदमाशों ने महिला से लूटी सोने की चेन, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। अम्बेडकर नगर में सरयू नदी में दो सगे भाइयों की डूबने की आशंका, मछली का शिकार करने गए थे दोनों सगे भाई, दोनों भाइयों की तलाश में जुटे स्थानीय गोताखोर।
संभल में मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ट्रेनों का आवागमन कई घंटों तक रहा बाधित। रेलवे इंजीनियर और कर्मचारियों की टीम सूचना पर पहुंची। लखनऊ में निकाय चुनाव का रिजल्ट कल। मतगणना से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे अधिकारी। आगरा में 8000 फीट से कूदा कमांडो। पैराशूट फंसने से कमांडो की हुई मौत। अंधेरे में जंप ट्रेनिंग में हुआ जवान हादसे का शिकार। लखनऊ में एनएचआरएम घोटाले में बड़ी। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें। कोर्ट ने ईडी के लिए 15 दिनों में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश की एक एक इंच भूमि का हिसाब जुटाएगी सरकार। पूरे राज्य का जीआईए मैप किया जाएगा तैयार। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की दी जाएगी फिर से सुविधाएं। नतीजा रहा खराब। सरकार पर हर साल 15 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। खराब नतीजे देने वाले शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। पहले ही तय कर दी गई थी शर्तें। उत्तराखंड में पार्टी को ले डूबा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद। कर्नाटक में बजरंग बली ने लगाई नया पर। प्रदेश में महंगाई दर घटी फिर भी देश में सबसे अधिक। एनएसओ की ओर से जारी किए गए आंकड़े। सैटेलाइट से की जाएगी कीड़ा जड़ी की रिसोर्स मैपिंग। सूचीबद्ध होगा क्षेत्र। शासनादेश में होगा संशोधन। गढ़वाल की बेटी बनी लखनऊ की मेयर। गांव में जश्न। 3 बहनों में सबसे छोटी है सुषमा। भाई विनोद चुनाव प्रचार के लिए लखनऊ में ही हैं। यात्रा पड़ाव के रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए 72 नमूने फिल। परोसा जा रहा है मिलावटी भोजन। देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर दबोचा। गोली लगने पर पकड़ में आया एक सिपाही भी घायल। घास काटने आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गुलदार ने मार डाला। महिलाओं के शोर मचाने पर शव छोड़कर भागा। बीस मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा। डीएम और एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। गुजरात के 27 यात्रियों को लेकर जा रही बस हुई हादसे का शिकार। एक की मौत। 16 लोग हुए घायल। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शुरू होगा जीएसटी सर्विस। संदिग्ध डीलरों और व्यापारियों की सूची तैयार। पांच हजार पदों को भरने की राह पर बड़ी अड़चन दूर। लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। राजधानी में गरीबों के लिए बनेंगे घर। अवस्थापना विकास की 10 अधूरी योजनाओं के लिए फंड का इंतजाम। नेपाल ने भारत के लिपुलेख समेत काला पानी ओलंपियाधुरा को फिर बताया अपना। बॉर्डर पर बढ़ सकता है तनाव। अब पानी के रास्ते भारत लगा सकता है चीन और पाकिस्तान में आग। आईएनएस मुर्मुआगो ने दागी पहली सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल। परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम।
भूकंप से कांपा अफगानिस्तान, रिएक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता, अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में ड्रैगन की आक्रामक कार्रवाई से भड़के कई देश, भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरा। बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने 6 पाकिस्तानी सैनिकों को सुलाई मौत की नींद, पीएम शहबाज शरीफ ने जाहिर किया शोक। रिहाई के बाद अब इमरान और पाक सेना आमने सामने, पूर्व पीएम ने कहा पार्टी बनाकर आर्मी लड़ ले चुनाव, पाकिस्तान की सेना ने इमरान को बताया पाखंडी। पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन करने वाले अपराधियों को 3 दिन में पकड़कर पेश करेंगे मिसाल, गर्जे शहबाज शरीफ। पहले रूस को हथियार बेचने का लगाया आरोप, फिर अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका से हाथ जोड़कर मांगी माफी। ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा और बेशकीमती कलाकृतियां वापस लाएगी मोदी सरकार, बन रहा है प्लान, अधिकारी लंदन में राजनयिकों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। गाजा में गोलीबारी जारी, इजराइल और फिलिस्तीन उग्रवादियों में हुआ खूनी संघर्ष। टू व्हीलर खरीदने की तैयारी में तो थोड़ा इंतजार कर ले, हीरो मोटोकॉर्प ने किया बड़ा ऐलान, 125 सीसी और 160 सीसी की बाइक भी करेगी लॉन्च। स्टैक ओवरफ्लो ने 10% कर्मचारियों की छटनी की, ऑटोनॉमस डिलीवरी में 30% नौकरियों में कटौती करेगा। रिलायंस और एचयूवीएल ने अपने निवेशकों की करा दी चांदी, आईटीसी और इंफोसिस ने कराया नुकसान। सेबी के फैसले से म्यूचुअल फंड कंपनियों को लगा झटका, एमएफ निवेश में आई बड़ी गिरावट। गर्लफ्रेंड के चक्कर में एयर इंडिया के पायलट ने बीच हवा में कर दिया कांड, डीजीसीए ने ठोका 30 लाख का जुर्माना। संतरे के लिए अब नागपुर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का भी आएगा जुबां पर नाम, 1800 हेक्टेयर में होगी खेती। पड़ोसी गरीब तो भारत हर दिन हो रहा है अमीर, दे देना धन के स्पीड से बढ़ रही है देश की दौलत। गौतम अडानी बेच रहे हैं अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी, जानिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए समूह में कितना हो रहा जोखिम। वित्तीय नेतृत्व का मुद्रास्फीति नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला पर जोर, चीन का खुले तौर पर जिक्र नहीं। शेयर बाजार में महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश से चुनौती, एक साल में यूपी से 35 लाख नए निवेशकों ने किया प्रवेश। जीतकर भी टॉप 4 में नहीं पहुंचेगी रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर, हार की हैट्रिक से बचना होगा, बुरी तरह बिगड़ चुका है समीकरण। बैसाखी पर नजर आए केएल राहुल, आरसीबी के खिलाफ मैच में हुए चोट, सर्जरी के बाद शेयर की पहली तस्वीर। आईपीएल 2023 में 22 साल के युवा खिलाड़ी प्रभसिमरन सिंह ने ठोका शतक, एक ही झटके में कई रिकॉर्ड किए चकनाचूर।
अमित मिश्रा को आपा खोना पड़ा भारी, लाइव मैच में अंपायर से पड़ गई डांट। आरसीबी के लिए प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार, अंतिम चार में जा सकती है विराट कोहली की टीम। अभी तक अपनी पुरानी टीम को समझा नहीं सके पांड्या, मुंबई के खिलाफ बेहद शर्मनाक है रिकॉर्ड, हार्दिक पांड्या के पास नहीं है मुंबई का तोड़। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में दर्ज कराई एफआईआर, इंटरनेट पर वायरल हो रही उनकी नकली आवाज पर लिया गया एक्शन। सिर्फ 11 मैच बाकी, किसी टीम ने नहीं किया प्लेऑफ में क्वालिफाई, दिल्ली बाहर, सनराइजर्स को 3 मैच खेलना बाकी। चेपाक में कोलकाता का रिकॉर्ड खराब, हारने पर बाहर होंगे प्लेऑफ से। ईशांत ने भी खेले लिविंग स्टोन के स्टंप से 2 बाउंड्री लगाकर, प्रभु शिमरन ने पूरा किया शतक, डीआरएस में आउट हुए वार्नर। कंटेस्टेंट के साथ नजर आए रोहित राय, वायरल हो रही बीटीएस फोटो। परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा संघ की सगाई रिंग फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटो। अजय देवगन की थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे माधवन, दृश्यम 2 के बाद एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे गदर। केला स्टोरी भारत के बाद अब विदेश में भी मचाएगी धूम, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का आंकड़ा कर चुकी है पर। शहनाज गिल को नहीं हिना खान को याद आए सिद्धार्थ शुक्ला, कहा सिद्धार्थ हमें देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। सुर्खियों के बीच दकैला स्टोरी, एक्ट्रेस अदा शर्मा ने किया शिव तांडव का पाठ, वीडियो हो रहा है वायरल, फिल्म पर मचा हुआ है घमासान। IB71 पर बोले विद्युत चामवाल, कहा बाकी स्पाई थ्रिलर फिल्में जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। प्रियंका चोपड़ा ने फिर खोला बॉलीवुड का कच्चा चिट्ठा, बोली उम्मीद करते हैं कि एक्ट्रेस की पेल्विक बोन दिखे। सुप्रीम कोर्ट में दिकेला स्टोरी को लेकर PIL दायर, दर्शकों की सुरक्षा और बैन हटाने की मांग। मीडो वॉकर का फास्ट एक्स सीरीज में कैमियो, पिता पॉल की विरासत से जुड़ने पर भावुक हुई एक्ट्रेस। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।